हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यह वीडियो एक काल्पनिक खबर पर आधारित है। इसका मकसद केवल हास्य व्यंग्य, स्वस्थ मनोरंजन और राजनीतिक कटाक्ष करना है, किसी की मानहानि करना नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल माइंड द न्यूज के इस खास प्रोग्राम बुरा न मानो फर्जी है में स्वागत है। दोस्तों, इस खास प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी काल्पनिक खबरों का पिटारा जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और शायद कुछ लोगों को रुला भी देगा। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ हास्य व्यंग, आपका मनोरंजन करना और राजनीतिक और गैर राजनीतिक कटाक्ष करना है, ना कि किसी की मानहानि करना। इसलिए इन खबरों को देख सुनकर अपने दिल पर मत ले। तो चलिए शुरू करते हैं बुरा न मानो फर्जी है के इस खास प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड की हेडलाइन से। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मदरसे में जाकर सीखेंगे उर्दू भाषा। आज का सनसनीखेज खुलासा, हमारे रिपोर्टर ने आखिर ढूंढ निकाली मोदी जी की डिग्री। एक नहीं बल्कि दो दो एमए किए मोदी जी। बेहद सस्ती चीजें बनाने के लिए मशहूर चीन अब बनाने जा रहा है दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल। पानी से भी कम कीमत होगी इस पेट्रोल की। प्रधानमंत्री मोदी के घड़ियाली आंसू रोकने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ अब वापस ज्वाइन करेंगे बीजेपी। मोदी जी की मन की बात के रेडियो प्रोग्राम की तर्ज पर बॉलीवुड की सबसे संस्कारी एक्ट्रेस सनी लियोनी अब शुरू करने जा रही है खास रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम होगा तन की बात। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। मोदी जी ने पीएम बनने के फौरन बाद ही पाकिस्तान को धमकाया था कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमले बंद नहीं किए तो वे उसका पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाएंगे। लेकिन उनकी भाषा में सबक सिखाने से लोगों ने ये मतलब निकाला कि मोदी जी देश के एक जवान के सर के बदले पाकिस्तान के जवानों के 10 सिर काटेंगे। अब यह किसको पता था कि वो तो सिर्फ एक गीदड़ भक्की थी, असल में तो मोदी जी कुछ और कहना चाहते हैं। तो आखिर क्या थी इसके पीछे की असली कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे हमले और भारतीय जवानों पर उनके द्वारा की गई बर्बरता अब सबके के लिए असहनीय होती जा रही है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है कि बाथरूम जाने पर भी उसे ट्वीट के माध्यम से सबको बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हालांकि मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मीडिया और लोगों का ध्यान लगातार योगी आदित्यनाथ के कामों पर जा रहा है। लोग योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए हर कदम पर चर्चा करके सैनिकों के बलिदान को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोगों के बीच ये भी संदेश फैल रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसका जवाब जानने में तो सबकी रुचि है, लेकिन हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब जानने की मशक्कत कोई नहीं करना चाह रहा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद लोगों को लग रहा था कि उन लोगों ने एक सशक्त नेता चुन लिया है जो हर एक बड़ी समस्या पर तुरंत एक्शन लेकर उसको सुलझाने की काबिलियत रखता है, लेकिन जवानों की शहादतों के बाद मोदी जी का इस विषय पर कुछ ना कहना लोगों को अखर गया और वो लोग जो उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे उन सबकी आशा को एक धक्का लगा या यूं कहें निराशा हाथ लगी। लेकिन सूत्रों की माने तो उन लोगों को निराश होने की बिल्कुल की भी जरूरत नहीं है जो चाहते थे कि मोदी जी पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाएं। मोदी जी ने एक खुफिया तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। दरअसल नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो उर्दू सीख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द उर्दू सीखकर पाकिस्तान को उसी के भाषा यानी कि उर्दू में ट्वीट करके करार जवाब देंगे। अभी अभी प्राप्त खबर के अनुसार अपने बयान अनुसार मोदी जी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उर्दू सीखनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें पुरानी दिल्ली में स्थित एक मदरसे में सर पर मुस्लिम टोपी पहनकर उर्दू सीखने जाते देखा गया है।
पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उर्दू सीखने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्विटर से की है, तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि मोदी का पाकिस्तान को उसी के भाषा में ट्वीट कितना प्रभावशाली रहेगा। लेकिन उनका ये कदम अभी के लिए सराहनीय है, इसी बहाने वो कम से कम एक नई भाषा तो सीख लेंगे। यह रिपोर्ट उन सब लोगों का मुंह बंद कर देगी जो मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए जनाब, इससे पहले कि आपको खुशी के आंसू आ जाए, उसके पहले एक नज़र इस खास रिपोर्ट पर तो डाल लीजिए। मोदी के डिग्री पर चले आ रहे विवाद को माइंड द न्यूज की होनहार टीम आज थामने जा रही है, जहां सारी आरटीआई और सारी खोज मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता लगाने में असमर्थ हो गई। वहीं हम आज यह एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहे हैं, हमारी खुफिया टीम यह पता लगाने में सफल हो गई है कि आखिर मोदी ने कहां तक शिक्षा ली है और कितने पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात, इन सब बातों का प्रमाण यानी कि उनकी डिग्री जो कि हमने खोज निकाली है, आज उन सबके मुंह को ताला लग जाएगा जो कि मोदी की शिक्षा को लेकर उनको घेरते आए हैं। आखिर क्या कारण था कि मोदी ने अपनी शिक्षा के बारे में जो जो जानकारी दी थी अथवा जिन जिन यूनिवर्सिटी आदि का जिक्र किया था, वे सभी मोदी की डिग्री को सार्वजनिक क्यों नहीं कर सके? अब चाहे वह दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या गुजरात यूनिवर्सिटी, किसी ने भी मोदी की डिग्री पर कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। जो लोग यह मानते हैं कि मोदी एक अनपढ़ या जाहिल हैं, उनको यह जानकार बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मोदी ने एक नहीं बल्कि दो एमए की हैं। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल एमए हैं, और यह डबल एमए उन्होंने की है आईआईजे यूनिवर्सिटी से, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जुमलेबाजी आईआईजे। उनकी स्पेशलाइजेशन के विषय जुमलेबाजी रहा है। इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि आईआईजे के संस्थापक भी खुद मोदी ही हैं। एक और सवाल जिसका जवाब लोगों को नहीं मिल पा रहा था, वह था कि मोदी जी के क्लासमेट्स, तो मोदी जी के साथ जो और उनके साथी या क्लासमेट्स थे, वह हैं अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुपम खेर, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर। आईआईजे से जुमलेबाजी में डबल एमए करने के बाद अब मोदी जी अपने ऊपर वाले सभी साथियों के साथ इसी विषय में पीएचडी भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी ने अमित शाह के द्वारा यह फरमान भी जारी किया है कि बीजेपी के ही सभी सदस्यों के लिए आईआईजे से बीए पास करना अनिवार्य होगा। जहां तक मोदी जी की स्कूल की बात है, तो स्कूल क्या होता है मोदी जी को नहीं पता। असल में मोदी जी इतने होनहार थे कि बिना स्कूल जाए उन्होंने आईआईजे में एडमिशन ले लिया था और फिर वहीं से पहले शॉर्ट टर्म कोर्स किया। शॉर्ट टर्म कोर्स में अव्वल नंबर पर रहकर उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, इसी कारण से उन्होंने इसे आगे जारी रखने का फैसला लिया। और फिर मोदी जी ने आईआईजे से ही पहले स्नातक किया और फिर दो बार एमए में जुमलेबाजी किया। हर बार की तरह मोदी जी इस यूनिवर्सिटी में टॉपर ही बने रहे, उम्मीद है पीएचडी में भी यही परंपरा बनी रहेगी। एक और बताने लायक बात यह है कि मोदी जी अपनी दोनों एमए पिछले लोकसभा चुनावों से पहले ही खत्म कर चुके थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने कोर्स के दौरान सीखी हुई सभी बातों का भरपूर इस्तेमाल 2014 के लोकसभा चुनावों में किया और बहुत ही बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। उम्मीद है हमारी यह स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पढ़कर आपको मोदी जी के साथ साथ उनके खास साथियों की शिक्षा और डिग्री के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और अब आप कम से कम 2019 तक तो अपने मुंह पर ताला लगा ही लेंगे। हमारे पास मोदी जी की डिग्री और मार्क्सशीट मौजूद है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट लिख कर बताएं। लेकिन उसको देखने के बाद अगर आपको हॉट टॉक आ गया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। भारत का खास पड़ोसी देश चीन, जो कि अपनी सस्ती चीजों के लिए जाना जाता है और जिसने भारत के बाजारों को लगभग अपने कब्जे में किया हुआ है, वो अब दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल भी बाजार में उतारने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत दुनिया भर में आग लग जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ते दामों ने दुनिया भर की नाक में दम किया हुआ है। जानिए कैसे बनेगा ये पेट्रोल और क्यों होगा ये इतना सस्ता, देखिए यह रिपोर्ट।
दुनिया भर में अपनी सस्ती मेड इन चाइना चीजों से तहलका मचाने वाला चीन देश अब दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल बनाने जा रहा है। दुनिया भर की इकोनॉमिक स्थिति काफी हद तक पेट्रोल के दामों पर निर्भर करती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पेट्रोल के दाम पूरी दुनिया में आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी वस्तुओं के दाम और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस मामले में भी एक बार फिर चीन देश ने बाजी मार ली है और ऐलान कर दिया है कि वह दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल बनाने जा रहा है और अगले एक साल के अंदर यह पेट्रोल दुनिया के सब देशों में बिकने लगेगा। आज सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन ने इसके बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के देशों के मीडिया ने शिरकत की। एक सवाल जो सबके मन में था कि आखिर चीन किस तरह से पेट्रोल का दाम कम करेगा, इसका जवाब देते हुए चीन ने सबको चौंका दिया जब उसने बताया कि यह पेट्रोल चीन के लोगों के सूसू से बनेगा। चीन ने बताया कि उनके लोगों के सूसू में वह सारे गुण मौजूद हैं जो कि एक ईंधन जैसे कि पेट्रोल में होते हैं। ऐसा चीन के लोगों के खास खान पान के कारण है, चीन के प्रवक्ता मिस्टर सूसू करी ने आगे बताया। हालांकि इस सूसू को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसके लिए चीन ने एक खास किस्म का प्लांट लगा लिया है जहां पे लोगों के सूसू को रिफाइन किया जाएगा और कुछ केमिकल्स के साथ प्रोसेस किया जाएगा जो कि इसको पेट्रोल में बदल देंगे। हालांकि इसकी डिटेल्स चीन ने बताने से मना कर दिया है क्योंकि यह उनका ट्रेड सीक्रेट है जिसको वे किसी हाल में सार्वजनिक नहीं करना चाहते ताकि उनकी मोनोपोली बने रहे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस पर काफी सालों से चीन रिसर्च कर रहा था और अब जाकर सफलता हासिल हुई है। चीन में नई पाइपलाइन भी बिछा दी गई है जो लोगों के घर से उनके सूसू को सीधे प्लांट में लेकर आएगी और जहां पर आगे की प्रोसेसिंग की जाएगी। अब चूंकि सूसू तो अत्यधिक मात्रा में मुफ्त में मौजूद है तो इस पर लागत सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग में आएगी जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए चीन इस तरह से बनाए पेट्रोल को दुनिया भर में बहुत ही सस्ती दरों में बेचने में सफल होगा। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी अपने घड़ियाली आंसुओं के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। आए दिन अपने भाषणों में वो रोने का नाटक करने लगते हैं, लेकिन अपने ग्राहकों के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी के इन आंसुओं को रोकने का जिम्मा अपने सर पर उठाया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार भावुक होने से रोकने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से भाजपा ज्वाइन करने का मन बना लिया है। उधर पार्टी भी सिद्धू को इस शर्त पर शामिल करने पर राजी हो गई है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन मौन व्रत रखेंगे। नवजोत सिंह के एक करीबी ने अपनी हंसी को किसी तरह काबू में करते हुए संवाददाता से कहा, जब से सिद्धू जी ने भाजपा छोड़ी है तब से मोदी जी की आंखों में आंसुओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। कल जब मोदी जी फिर भावुक हुए तो सिद्धू जी ने भी अचानक हंसना छोड़कर भावुक होना शुरू कर दिया। सिद्धू जी बोले, मेरा पार्टी से बैर था, मोदी जी से नहीं, मुझे मोदी जी के हित में फिर भाजपा ज्वाइन करनी होगी। इतना कहते ही सिद्धू जी फूट फूट कर हंसने लगे, इतना हंसे कि उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पार्टी भी सिद्धू को शामिल करने को हुई राजी। इस बीच प्रधानमंत्री के हित में पार्टी ने भी सिद्धू की भाजपा ज्वाइनिंग पर मोहर लगा दी है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने किसी तरह अपने आंसू रोकते हुए कहा, हमारे लिए प्रधानमंत्री के आंसू बहुत कीमती हैं, उन्हें रोकने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। यहां तक कि सिद्धू को पार्टी में शामिल करने को भी, बस हमने एक शर्त रखी है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन मौन व्रत रखेंगे ताकि उस दिन पार्टी काम कर सके। इतना कहते ही वे जोर जोर से रोने लगे, शायद सिद्धू के संभावित ठहाकों की वजह से। मोदी जी की मन की बात का असर देश में और किसी और पर हुआ हो या नहीं, लेकिन बॉलीवुड की सबसे संस्कारी एक्ट्रेस सनी लियोनी पर तो जरूर हुआ है, और वो भी इतना कि मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए सनी लियोनी ने अपना खुद का प्रोग्राम शुरू करने की ठानी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है सन की बात। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस प्रोग्राम में सनी लियोनी अपने किन संस्कारों को दिखाने वाली है, यह खबर सुनते ही देश भर में उनके दीवाने पागल से हो गए हैं। तो आखिर
क्या खास होगा सनी लियोनी के इस तन की बात प्रोग्राम में, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस खास रिपोर्ट से। मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात से प्रभावित होकर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने तन की बात के नाम से नया प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। हालांकि यह प्रोग्राम सिर्फ 18 वर्ष के ऊपर वाले दर्शकों के लिए होगा, जिसमें सनी लियोनी न सिर्फ अपने तन की बात करेगी अपितु दूसरी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के तन की बात भी करेंगी। हमारे रिपोर्टर को एक इंटरव्यू देते हुए सनी ने बताया कि यह एक तरह से उनके मन की बात ही होगी, यानी कि वह मोदी के तरह जो भी बोलना चाहे बोलेंगी। सनी लियोनी के फैंस के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रोग्राम को लाइव पेश किया जाएगा और इस पर किसी भी तरह का सेंस नहीं किया जाएगा। जैसे कि प्रोग्राम के नाम से ही जाहिर है कि इस प्रोग्राम में गर्मा गर्म बातें की जाएगी। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि सनी लियोनी तन की बात प्रोग्राम में अपने पहले की पॉर्न फिल्मों के बारे में भी बात करेगी जिनमें की उन्होंने काम किया है। चूंकि यह प्रोग्राम सिर्फ बालिगों के लिए है, इसलिए इसका प्रसारण रात को 12 बजे किया जाएगा। इसमें न सिर्फ सनी लियोनी बात करेगी अपितु इसमें उनकी फेमस पॉर्न फिल्मों के कुछ अंश भी दिखाए जाएंगे। इस खबर को सुनकर सनी लियोनी के फैंस काफी उत्साहित हैं और बड़ी ही बेसब्री से इस प्रोग्राम के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इस प्रोग्राम के बारे में मीडिया को बताया गया तो सबसे पहले जिनकी प्रतिक्रिया है वो है अनुपम खेर, जो कि अपने आप को डिप्टी पीएम से कम नहीं समझते। उन्होंने सनी लियोनी पर पलटवार करते हुए बोला कि सनी लियोनी इस प्रोग्राम द्वारा मोदी जी की इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और यह देशद्रोह के बराबर अपराध है। इसलिए सनी लियोनी एक देशद्रोही हैं और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हमारे वफादार रिपोर्टर लुंड प्रसाद चौरसिया ने जब इस विषय पर अनुप खेर से बात करने की कोशिश की तो वह कुछ भी सफाई देने में अक्षम रहे। बस यही बढ़ाते दिखे कि यह मोदी जी की तौहीन है और वो किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह खबर लिखे जाने तक अनुपम खेर को एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया जा चुका था। तो इसके साथ ही हमारा यह खास प्रोग्राम पुराना मानव फर्जी है का दूसरा एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।